गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे आप कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया का। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है इकोनॉमी में, रीजन बीइंग कि उस कंट्री की मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो सेंट्रल बैंक करता है। एपेक्स बैंक जो कंट्री का होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कंट्री की, वो होता है आपका सेंट्रल बैंक। इन केस ऑफ अंडरडेवलप इकोनॉमीज ये इंस्ट्रूमेंटल है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सोल एजेंसी होती है, सिंगल एजेंसी होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है नोट इशू करने की कंट्री में, और कंट्रोल करता है सभी बैंक्स को, और बैंकर टू दी गवर्नमेंट होता है कि बैंक अगर गवर्नमेंट को कभी पैसे की ज़रूरत है तो उसके लिए बैंकर का जो रोल प्ले करेगा वो सेंट्रल बैंक करता है, क्रेडिट कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेम तरीके से जो और कंट्रीज़ हैं उनमें उनका अलग से सेंट्रल बैंक है, जैसे इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम है जिसे फेडरल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑपरेट करता है एज सेंट्रल बैंक्स। वर्ल्ड में जो फर्स्ट सेंट्रल बैंक सेटअप हुआ था वो हुआ था 1668 में स्वीडन में। इफेक्टिव सेंट्रल बैंकिंग जो बींग में आई थी वो आई थी 1694 में विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो अकॉर्डिंग टू केंट, सेंट्रल बैंक को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेंट्रल बैंक मे बी डिफाइंड as an institution which is charged with the responsibility of managing the expansion and contraction of the volume of money in the interest of general public welfare. इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का, वो क्या है कि सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में कैसे जो वॉल्यूम ऑफ मनी है उसे एक्सपैंड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसके इंटरेस्ट में? जनरल पब्लिक के वेलफेयर में। इंडिया में अगर हम बैकग्राउंड देखें सेंट्रल बैंक का, तो रॉयल कमीशन जो क्रिएट हुई थी ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, उसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, उसने रिकमेंड किया था फॉर्मेशन सेंट्रल बैंक का इंडिया में इन द ईयर 1926। इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल बैंक जो है वो फॉर्म किया गया, और उसे ट्रांसफ़र किया गया सारा कंट्रोल करेंसी का और क्रेडिट का गवर्नमेंट से लेके एक सेपरेट बॉडी जो सेंट्रल बैंक हम कह रहे हैं जिसे, उसे दिया गया। 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफरेंट फंक्शंस करता है इकोनॉमी में, उसका यहाँ पे हम एक ब्रीफ देख रहे हैं वो क्या क्या फंक्शन करता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहले आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में। रिजर्व बैंक क्या क्या फंक्शन करता है? फॉर्मुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, इशू करता है करेंसी नोट्स, मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, एक्ट करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, रेगुलेट करता है क्रेडिट को इकोनॉमी में। इसके अलावा डेवलपमेंटल फंक्शंस भी करता है, जहाँ पे प्रमोट करता है डेवलपमेंट सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस सेक्टर एक्सेट्रा, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करवा के। रिसेंट ईयर्स में आरबीआई ने प्रमोट किया है यूज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बैंकिंग ऑपरेशंस में, और जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है परफॉर्मेंस में वो इन्हांस हुई है और कस्टमर को इजी हुआ है। अब ई बैंकिंग जो है वो पेनेट्रेट होने लगी है इकोनॉमी में, इस प्रमोट हुई है फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर एक पर्सन जो है उसको बैंकिंग सिस्टम से लिंक किया जा रहा है। इन द ईयर 2014 आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट पेमेंट बैंक्स का, ताकि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की जो सर्विस है वो फैसिलिटेट हो सके। इस तरीके से जो आरबीआई है वो परफॉर्म करता है फंक्शंस सेंट्रल बैंक के बहुत इफेक्टिवली। देन ये कुछ चीज़ें दी गई हैं
मेजर हाइलाइट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो फंक्शंस उसने किए हैं। 1935 में आरबीआई ने स्टार्ट किया अपने ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935। 1949 में नेशनलाइजेशन हुआ रिजर्व बैंक का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनैक्ट हुआ। 1962 में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन सेटअप हुई। 1964 में आईडीबीआई को सेटअप किया गया एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 1966 में कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई रेगुलेशन के अंडर आए। 1969 में नेशनलाइज किया गया 14 और मेजर कमर्शियल बैंक्स को। 1974 में इंट्रोडक्शन हुआ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स का। देन 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप किया गया। 1980 में नेशनलाइज किया गया 6 मेजर कमर्शियल बैंक्स को। 1982 में नबार्ड को सेटअप किया गया फॉर प्रमोटिंग रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट। 1993 में एक्सचेंज रेट को मार्केट डिटरमिंट किया गया। 1995 में इंट्रोडक्शन हुआ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम का। 2000 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो था वो रिप्लेस उसने किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को। 2004 में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम को शुरू किया गया। 2005 में फोकस किया गया फाइनेंशियल इंक्लूजन पर। 2014 में इंट्रोडक्शन किया गया पेमेंट बैंक्स का। 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ 500 और 10,000 के करेंसी नोट्स का। ये कुछ वेरियस चीज़ें हैं जो वेरियस स्टेप्स हैं जो आरबीआई ने लिए हैं इकोनॉमी में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो एपेक्स बॉडी है आरबीआई के स्ट्रक्चर में जो उसे गवर्न करने के लिए। जो सेंट्रल बोर्ड है उसे चेयर करता है, उसका जो चेयरमैन होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। गवर्नर के अलावा 20 और मेंबर्स होते हैं बोर्ड में और चार जिसमें चार डिप्टी गवर्नर्स, चार डायरेक्टर्स जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, हर एक 4 लोकल बोर्ड्स इसके जो हैं उसके लिए। देन 10 डायरेक्टर्स जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा इसके 4 लोकल बोर्ड्स हैं जिन्हें नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री में डिवाइड किया गया है और इनका काम होता है जो एरिया में इन्हें डिवाइड किया गया है उनके लोकल इंटरेस्ट को देखना। ये जो लोकल पोर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। और हर एक जो लोकल बोर्ड है उसमें 5 मेंबर्स अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट 4 साल के लिए। जो हेडक्वार्टर्स हैं आरबीआई के वो लोकेटेड है मुंबई में। आरबीआई का जो नेटवर्क है वो 4 ऑफिसेज और 27 ब्रांचेस का है जिसके थ्रू वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करता है। जो यूनिट्स ऑपरेट करती हैं 4 मेट्रोज में, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई में उन्हें ऑफिसेज कहा जाता है और जो दूसरी यूनिट लोकेट करती हैं अदर सिटीज़ में उन्हें ब्रांचेस कहा जाता है। जो टर्म है नॉमिनेटेड मेंबर्स की वो 4 इयर्स की होती है। जो गवर्नर है आरबीआई का उसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसे एटलीस्ट 6 मीटिंग्स करनी है एक साल में और एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए 3 मंथ्स में। इसके अलावा जो सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड है, इसके अलावा बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ऑडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी एक्सेट्रा के बोर्ड्स आरबीआई के अंदर बनाए गए हैं और इन बोर्ड्स का काम है स्मूथ गवर्नेंस करना आरबीआई की। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आरबीआई का। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इसका चेयरमैन जो होता है वो गवर्नर होता है। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चीफ जर्नल मैनेजर्स, जर्नल मैनेजर्स, डिप्टी जर्नल मैनेजर्स, असिस्टेंट जर्नल मैनेजर्स, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सपोर्ट स्टाफ। इसके अलावा जो आरबीआई है उसने 34 डिपार्टमेंट सेटअप किए गए हैं फॉर द स्मूथ डिस्चार्ज ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें क्लासीफाई किया गया है 5 ब्रॉड एरियाज में। मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च से रिलेटेड, रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड, सुपरविजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड। और ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो वर्क करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स हैं आरबीआई के वो
वर्क करते हैं फॉर द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. अब ये जो डिपार्टमेंट है वो आगे किस किस एरिया को देखते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ इसके अंडर आती हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं. फंक्शनल एरियाज ऑफ RBI एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट. जो फंक्शनल एरिया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी एंड रिसर्च. अब इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आ जाते हैं RBI के? मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशन डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, देन रेगुलेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग रेगुलेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यूनिट. देन थर्ड जो है आपका, दैट इज सुपरविजन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. इसमें आ जाता है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक सुपरविजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट. देन फाइनेंशियल मार्केट्स आ जाते हैं, और फाइनेंशियल मार्केट्स में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट, इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट्स. देन ऑपरेशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का एरिया आ जाता है, और इसमें कौन से डिपार्टमेंट्स इंक्लूड होते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, लीगल डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट, सेंट्रल विजिलेंस सेल, राजभाषा डिपार्टमेंट एंड प्रमिसेस डिपार्टमेंट. देन जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. जैसे कि हमने पहले बात की कि जो रिजर्व बैंक है वो सारे फंक्शंस करता है जो सेंट्रल बैंक के होते हैं. वो कौन कौन से हैं? नोट्स को इशू करना, एक्ट करना एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, रेगुलेट करना बैंकिंग सिस्टम को कंट्री में, फॉरन एक्सचेंज को कंट्रोल करना, क्रेडिट कंट्रोल को कंट्रोल करना इकोनॉमी में, सेक्टर जैसे फंक्शन है. ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मीट करता है फाइनेंशियल नीड्स जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट या स्मॉल इंडस्ट्री की है, इन द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इसके अलावा हेल्प करता है पावर्टी को कम करने में, रीजनल इनइक्वालिटीज को मिटाने में और अनएम्प्लॉयमेंट को मिटाने में. जो प्रिंसिपल फंक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो है रेगुलेट करना मॉनेटरी सिस्टम को कंट्री के, और इस तरीके से रेगुलेट करना कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए कंट्री की, और साथ ही साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन हो सके. यही इसका जो फंक्शन है वो इसके प्रीएम्बल में, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का प्रीएम्बल है उसमें मेंशन है. वो क्या मेंशन है? कि जो मेन फंक्शन है बैंक के वो है रेगुलेट करना इशू ऑफ बैंक नोट्स को, रिजर्व्स रखना इस चीज़ के लिए ताकि मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी है कंट्री में, वो सिक्योर हो पाए, और ऑपरेट करना करेंसी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्री के इस तरीके से कि वो कंट्री के एडवांटेज में हो. तो जो फंक्शंस हैं रिजर्व बैंक के उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला है ट्रेडिशनल फंक्शंस, देन डेवलपमेंटल फंक्शंस एंड रेगुलेटरी फंक्शंस. तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस क्या है रिजर्व बैंक के. सबसे पहले सेंट्रल बैंकिंग के कौन कौन से फंक्शन है. रिजर्व बैंक जो है सेंट्रल बैंक है कंट्री का, तो उसके अकॉर्डिंग वो कौन कौन से फंक्शन करता है. सबसे पहला है इशू ऑफ पेपर करेंसी. जो RBI है इंडिया में खाली अकेली अथॉरिटी है, ओनली अथॉरिटी है जिसके पास मोनोपोली राइट है नोट इशू करने की. ये इशू जो नोट्स करती है वो किस किस डिनोमिनेशन के नोट्स इशू करती है? 5 रुपीज़ का, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 का. कब जो बैंक है उसका अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट है नोट इशू के लिए, और जिसे इशू डिपार्टमेंट कहा जाता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के अकॉर्डिंग जो बैंक है उसे रिजर्व फंड मेंटेन करना पड़ता है नोट इशू के लिए, और ताकि जो कॉन्फिडेंस है लोगों का कंट्री की करेंसी में वो बना रहे. सिंस 1956 नोट इशूइंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम. जो प्रेजेंटली क्या है? मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़. इसका मतलब क्या है कि कंट्री में अगर उन्हें नोट इशू करने हैं
तो नो रिजर्व बैंक को नोट इशू करने हैं तो उसे 200 करोड़ का रिजर्व अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।